नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24। इस समय रामनगर के इलाके में मौजूद हैं करनाल के, और आप देख सकते हैं एक बिजली की दुकान में किस तरीके से आग लग जाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि नुकसान की बात करें तो कुछ भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कोई भी एक चीज़ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलकर राख हो चुकी है, और यहाँ पर किस तरीके से यह हादसा होता है। फिलहाल इसके बारे में प्रयास जरूर करेंगे जानने का। आप देख सकते हैं हर तरह का कंपोनेंट जल जल कर जो है धू हो चुका है, और आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि रात में ये जो है हादसा होता है, आग जिस तरीके से लगी काफ़ी भयानक। तो सर, आपकी शॉप है किसकी है? आपकी शॉप है, क्या नाम है आपका? राहुल छाबड़ा जी मेरा नाम। ये कैसे आग लग गई है, मतलब सर्किट हुआ है बाहर तारे वाले बहुत ज्यादा तारों के बहुत ज्यादा करते हैं हम। हर बार कई बार कंप्लीट कर चुके हैं तो वह कि बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, हर बार बोल चुके हैं बिजली वालों के भी तारे हटवा दो। जब से मीटर लगे हैं लोगों के यहाँ लगे हैं तो जोड़ लगा के पीछे तारे, पीछे हवा चलती थी तारे, कई बार मैंने ठीक कराई जोड़ हटाए, लेकिन हमारे क्या क्या हम थक गए हैं जी इनको बिल्कुल ज्यादा। अब तारों का हाल देखना, बाहर देखे तारों का क्या बनाया जी, ऊपर सारा मतलब, सब कुछ वो हो चुका जी बिल्कुल। एक मतलब अंदर कहीं स्पार्किंग हुई है जो है, मतलब अंदर पता नहीं जी, हमें कुछ नहीं पता। क्यों, हमें फोन आया था, मैं 9:30 दुकान बंद करके घर गया हूँ। मैं 9:30 बजे आप? हाँ जी, हाँ जी 9:30 घर गया हूँ। एक घंटे बाद किसी पड़ोसी का फोन आया कि आपकी दुकान में धुआं निकल रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तो मैंने शटर जल्दी खोला, मैं कोई देखो शॉर्ट सर्किट ना हो, तो मैंने खोला तो देखा तो आग लग रही थी पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे लग रही थी। तो फायर ब्रिगेड को फोन किया जी, फायर ब्रिगेड वाले कम से कम 2 घंटे लेट आए हैं जी, 2 घंटे। अगर वो जल्दी आ जाते थोड़ा सा नुकसान मेरा पीछे तक होता, वो बच जाता हो या आगे तक ना आता। अच्छा, 2 घंटे दो घंटे ले आए हैं जी सारे दुखी। हमारे डिप्टी मेयर रजेश अग्गी जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितने बजे पहुंची थी? कम से कम भी 2 घंटे लेट आई है जी, कम से लगा लो कि 12:30 के बाद ही आई है वो गाड़ियाँ। 12:30 हाँ जी, हाँ जी 12:30 के बाद नुकसान होने से सब कुछ खत्म हो गया, तब आई है जी वो तो, यानी सब कुछ खो गया। इतनी आग थी कि पुहार तक पूरी बाहर तक, वहाँ पर खड़े थे सड़क के बाहर, वहाँ तक उसका सेक जा रहा था, इतना भयंकर आग थी। आप देख लीजिए, आप देखिएगा इतना सेक था उस पर। तो आप देख सकते हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और लगभग सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा की तो हम बात ही नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है सिर्फ राख के तब्दील होती हुई नज़र आएगी। और नुकसान आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। सर, कितना नुकसान हो गया? कम से कम भी मेरा 10-12 लाख का सामान था जी, 2-3 लाख की मेरी फिटिंग, जो भी सामान मेरा फिटिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग का भी काम है मेरा, सेल का भी काम है मेरा। अच्छा, कम से कम हाँ हाँ जी, पंखे वगैरह होते हैं, नए पंखे थे मेरे, सब कुछ अप्लायंस होते हैं सब। हाँ जी, हाँ जी, कम से कम 10-12 लाख का सामान था और 2-3 लाख की मेरी फिटिंग अलग करके 15 लाख का कम से कम मेरा नुकसान हो चुका है जी। नुकसान हो चुका? हाँ जी, ऊपर ही हो चुका, नीचे नहीं होगा जी। कैश भी था मेरा। आपकी अपनी? हाँ जी, अपनी दुकान है जी मेरी। हाँ जी, मेरी अपनी दुकान है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नुकसान हुआ है, नुकसान लाखों में हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है, और फिलहाल जो है ये स्थिति किस तरीके से पैदा हुई इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि बाहर की तरफ जो ये तारे हैं, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो बाहर की तरफ ये तारे हैं, इनके बारे में जो है इनकी शिकायत है कि किस तरीके से यहाँ पर। जी जी, मेरा भतीजा है जी। जी जी, क्या नाम है आपका? जगदीश छाबड़ा जी जी। मतलब कि क्या कुछ कहेंगे, मतलब जिस तरीके से हादसा हुआ है इसका? 1.5 घंटे में तो फायर ब्रिगेड पहुंची, अगर पहले पहुंच जाती हमारा सामान बच जाता। नीलोखेड़ी से 1.5 घंटे बाद आई है, उसके बाद करनाल की आई है। ये क्या है, यहाँ के ये रूल्स होते हैं? तो पहले जो फायर ब्रिगेड है वो नीलोखेड़ी से पहुँच गई थी, 1.5 घंटे के बाद। वो भी 1.5 घंटे के बाद पहुँची, अभी अगे सर का फोन गया तब आई, डिप्टी मेयर का फोन गया। यानी कि हम आम गवर्नमेंट, कुछ आम पब्लिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट के पीपल ही सब कुछ है। हम आम पीपल बस यहीं पे यही अपने सामान को सड़ाने के लिए बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं सामान जो है सब कुछ जलकर राख हो चुका है। दुकान के बाहर भी आप देख सकते हैं कितना सामान पड़ा है, आप देख सकते हैं। और फिलहाल आज के पास का ही आप एक और दुकान भी देख सकते हैं, यहाँ तक जो है आग की लपटें किस तरीके से पहुँची हैं आप देख सकते हैं। दूसरी दुकान में भी काफ़ी बड़ा जो नुकसान है वो हो सकता था। और अभी फ़िलहाल बिजली की जो तारें हैं, अगर मैं उनकी तरफ ज़रा नज़र मारें तो आप देख सकते हैं कि जो बिजली की तारें हैं, यानी कि लोगों की ये शिकायत है कि क्यों इस तरीके से बिजली की तारें जो हैं वो मकानों के साथ, दुकानों के साथ लग लग कर जाती हैं, क्योंकि ये भी कई बार बड़े बड़े हादसों का कारण बनता है। और ऐसे में कोई भी व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। अगर हम हर तरफ देख लें, आप आसमान में कहीं भी देख लें तो बिजली के तारों का एक जाल आपको नज़र आएगा, और इस तरीके की व्यवस्था जो है ये सरकार चलाती है। सामने का खंभा अगर आप देख लें तो आपको लगेगा कि शायद धागे ही धागे लिपटे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये बिजली विभाग की जो तारों की जो ये व्यवस्था है, ये आप हर तरफ देख लीजिए, मकान के ऊपर आपको तारों का जाल दिखेगा।
तो ये सब शिकायतें लोगों की हैं कि इस तरीके से हादसे लगातार हो रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में शॉर्ट सर्किट जो है वो कहा जा रहा है। शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन साफ बात ये है कि जो दुकानदार हैं उनका नुकसान हो चुका है, ये बात साफ है। लाखों का नुकसान हो चुका है जिसकी कोई भरपाई उनकी नहीं होने वाली है। और यहाँ पर जो है सरकार जो है इस बात को देखकर, अगर हम ये भी कहें कि उनका ये कहना है कि जो गाड़ियाँ थी अग्निशमन की, जो गाड़ियाँ थी वो मौके पर लेट पहुंची हैं। उनका कहना है नीलोखेड़ी से पहले पहुंच गई, लेकिन करनाल की गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंची है। 9:30 बजे वो जाते हैं। तो आपको कितने बजे खबर मिली थी कि आग जो है यहाँ लग चुकी है? 10:30 बजे 10:30 बजे पता चला था। लगभग आप बता रहे हैं कि लगभग 1.5-2 घंटे 12 बजे के करीब आई है। 12 बजे आई है, 1.5 घंटे उस टाइम तो धुआं था, बाल्टियां भी मारी हमने जहाँ पर बुद्धि नहीं। हाँ, तो जो अग्निशमन के मतलब रास्ता अगर हम देखा जाए तो इतने अंधेरे में ट्रैफिक भी नहीं होता, तो आराम से 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं, पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर जो है बड़ा नुकसान होने से भी बच सकता था, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि उनका नुकसान हो चुका है। आप देख सकते हैं उनके चेहरे के ऊपर किस तरीके से फिलहाल मायूसी है, और मायूसी क्यों ना हो जब एक व्यक्ति लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एक दुकान में लगाता है। आप देख सकते हैं आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि लोहा भी जो है वो किस तरीके से उसमें डेंट आ चुका है, कितनी ज्यादा अंदर भयानक आग लगी हुई थी कि कुछ भी नहीं बचा। दूसरी तरफ से आपको दिखा दें, ये कॉर्नर की दुकान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इनका फर्नीचर हो, कुर्सी से लेकर हर चीज जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से पिघल चुकी है। लोहा भी पिघलता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये नुकसान जो है ये हुआ है। और आसपास ये देख लीजिए किस तरीके से लपटे जो है निकली थी, और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल तो ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग है वहां पर भी कोई रहता है? अभी रहता नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे और भी बड़ा हादसा हो सकता है। सात दुकानें देखो, जी सात की दुकानों में भी हुआ है। तो यहाँ ऊपर बोर्ड चला हुआ, तो ये देख लीजिए सामने की तरफ भी आपको अगर हम जूम करके दिखाते हैं तो फिलहाल किस तरीके से और भी साथ में दुकानें हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दुकानें साथ में, तो आग उनके अंदर भी पहुंच सकती थी। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि जिस तरीके से हमारी व्यवस्था है उसके अंदर ये कहेंगे कि सर्विस जो है वो तेज़ होनी चाहिए, अग्निशमन की कम से कम सर्विस तो तेज़ होनी चाहिए कि मौके पर पहुंच जाते तो शायद उनका कुछ नुकसान होने से जो है वो बच सकते थे। लेकिन फिलहाल आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और नुकसान उनका काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा दुख है। और आपसे अपील है अपनी दुकान के अंदर जितना भी हो सके ध्यान रखें, हालांकि हादसा कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जितना भी हो सके ध्यान रखें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।